हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचर कॉप आईएस। दोस्तों, साइंस एंड टेक की सीरीज़ के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हमने ओपेक के बारे में पढ़ा था। हम पेट्रोलियम सेक्टर के बारे में देख रहे थे इंडिया के अंदर। पेट्रोल कहाँ से आता है, कौन से प्लेसेस से आता है और ग्लोबल मार्केट के अंदर किस तरीके से फ्लक्चुएशन आती है, ओपेक का उसके अंदर क्या रोल है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके आगे बढ़ेंगे और पेट्रोलियम से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो फर्स्ट आता है हमारे पास, फर्स्ट तो हमें पता होना चाहिए कहाँ से इंडिया इंपोर्ट करता है पूरे ऑयल को। तो इसके अंदर फ्लक्चुएशन होती रहती है माइनर, लेकिन 2017 का डाटा है, सऊदी अरेबिया 19%, मतलब सबसे ज़्यादा हम सऊदी अरेबिया से लेके आते हैं, इराक से, फिर ईरान से। तो जैसे हम देख सकते हैं हमारा काफ़ी लार्ज पोर्शन हमारा मिडल ईस्ट से आ रहा है। तो मिडल ईस्ट के अंदर जो इश्यूज़ होंगे, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया की जो ऑयल सप्लाई है उसके अंदर, ऑयल इंडिया को जो इंपोर्ट होता है, जो ऑयल सप्लाई होगी, अगर उसके अंदर क्या इशू आ सकते हैं, इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आपको एक तो पता होना चाहिए कि इंडिया की सप्लाई जो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, मतलब काफ़ी देशों से लेते हैं, लेकिन हमारी काफ़ी मेजर चंक जो है हमारा वो हम मिडल ईस्ट से ले रहे हैं। जैसे हमारे पास में सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, UAE मिडल ईस्ट के अंदर आ रहा है, कुवैत मिडल ईस्ट में, कतर हमारा मिडल ईस्ट के अंदर आ रहा है। तो काफ़ी बड़ा जो हमारा चंक है उसको हम ले रहे हैं मिडल ईस्ट की कंट्री से। तो अगर मिडल ईस्ट के अंदर कोई भी इशू आता है, जैसे मेंस के अंदर आपको क्वेश्चन आता है, तो मिडल ईस्ट के अंदर जो भी इशूज़ होंगे उनको यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे मिडल ईस्ट के अंदर में क्या है, हमारे सऊदी अरेबिया है, ईरान के बीच में राइवलरी है, तो कई बार जैसे ईरान ने ट्राई किया था, जैसे सऊदी अरेबिया ने ट्राई किया था कि ईरान को की मार्केट को कोलैप्स किया जाए, तो ज़्यादा प्रोडक्शन की थी इनके द्वारा, ज़्यादा प्रोडक्शन की गई थी 2014 के बाद, जो हमने पहले देखा था, इनके द्वारा प्रोडक्शन की गई कि ईरान की मार्केट को क्रैश करेंगे, US की मार्केट को क्रैश करेंगे शेल गैस ऑयल वाले, लेकिन उसकी वजह से प्राइस इतने ज़्यादा नीचे चले गए। अब वही चीज़ें जब ईरान के ऊपर अगर सेंक्शन लगेंगी या सऊदी अरेबिया के अंदर कोई, जैसे जमाल खशोगी वाला केस चल रहा है, उसके अंदर मान लो सऊदी अरेबिया पे सेंक्शन लग जाते हैं, तो ऑयल के प्राइस के अंदर काफ़ी फ्लक्चुएशन आएगी। उसके अलावा मिडल ईस्ट की कंट्री काफ़ी वल्नरेबल हैं टेररिज्म जैसी चीज़ों से, तो उसके कारण भी इंडिया की ऑयल सप्लाई के अंदर में काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। उसके अलावा कतर का क्राइसिस चला हुआ है यहाँ पे, तो मिडल ईस्ट की कंट्री को कोई भी इशू होगा वो इंडिया के ऑयल सप्लाई को इफेक्ट कर सकता है। तो हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कौन कौन से इश्यूज़ हैं इंडिया की रिफाइनिंग सेक्टर के अंदर, दूसरा पूछा गया क्रूड ऑयल सप्लाई के बारे में। तो ये क्वेश्चन तो आपको लिखना है, ठीक है, ये वाला मैं करवाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन आपको लिखना है कि क्रूड ऑयल सप्लाई जो हमें वर्ल्ड से मिलेगी उसके अंदर में क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, कौन कौन सी कंट्री, जो पीछे हमने कंट्री देखी उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट है चैलेंजेस क्या हैं, BS-12 स्टेज नॉर्म है, उनके अंदर क्या चैलेंजेस हैं, ये भी मैं करवाऊंगा आपको नेक्स्ट। तो अगर हम क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल के अंदर सबसे पहले होता है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल होता है, उसके बाद उसको रिफाइन किया जाता है, उसके बाद उसका यूज़ किया जाता है इंजन के अंदर। तो ये तीन प्रोसेसेस होती हैं। अब इसके अंदर में किस तरीके से हमारा पूरा सेक्टर आता है, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में सबसे पहले आएगा कहाँ से लेके आते हो आप, डोमेस्टिक खुद प्रोड्यूस करोगे जो कि इंडिया 18% करता है, इंपोर्ट कितना लेके आओगे जो कि इंडिया 82% करता है। अब इंपोर्ट के टाइम में क्या इश्यूज़ आएंगे वो आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डोमेस्टिक के अंदर, डोमेस्टिक में कौन सी, जैसे हमारे पास ONGC है, वो वहाँ से ऑयल को एक्सप्लोर करेंगी, तो उनके ऑयल एक्सप्लोरेशन में क्या इशू आ सकते हैं, टैक्सेशन का क्या इशू आता है, ये मतलब काफ़ी कम्प्लेक्स टॉपिक हो जाते हैं एंड इतने ज़्यादा रिलेवेंट भी नहीं है एग्जाम से रिलेटेड। तो अगर ये ज़्यादा न्यूज़ के अंदर आते हैं तो इनके बारे में देख लेंगे, बट जो प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज़ हैं उनके बारे में हम ज़्यादा देखने नहीं वाले, यहाँ पे ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे इसके अंदर में, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने डोमेस्टिक ऑयल निकाल लिया, यहाँ से इंपोर्ट होके आ गया। अब ये जो ऑयल है ये तो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल तो आपके इंजन में डलने नहीं वाला, इसको आपको रिफाइन करना पड़ेगा, इसके अंदर काफ़ी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट इससे निकलते हैं, काफ़ी हेल्थ सेक्टर में यूज़ होते हैं इसके प्रोडक्ट, मेडिसिन वाले सेक्टर में यूज़ हो जाते हैं, फिर कॉस्मेटिक वाले सेक्टर में यूज़ होते हैं, ठीक है, और पेट्रोल डीजल तो बनते ही हैं उससे। तो उसके बाद उसको रिफाइन करेंगे रिफाइनरीज़ के अंदर में। तो रिफाइनरी हमने देखा था इंडिया में 23 हैं, 2017 का डाटा था वो, 23 के करीब हमारे पास, 18 उसमें से सरकार के द्वारा ओन की जा रही हैं, ठीक है, 3 उसके अंदर हमारी प्राइवेट सेक्टर से के द्वारा ओन की जा रही है और 2 उसके अंदर में प्राइवेट और पब्लिक दोनों के द्वारा ओन की जा रही है। तो रिफाइनरी उसको प्रोसेस करेगी। अब इश्यू क्या क्या आ जाएंगे इन रिफाइनरीज़ को वो देखेंगे और उसके बाद फिर उसको इंजन में डाल देंगे। अब इंजन में उसको डालेंगे, फ्यूल कितना प्योर होना चाहिए वो सब, फ्यूल के ऊपर क्या इशू आएगा, भारत स्टेज के नॉर्म। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो भी एरिया मैंने बताए, ये एरिया आपको खुद करना है। इंटरनेशनल मार्केट में मैंने आपको हिंट दे दी मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ एंड अदर, आपको अदर कंट्री के बारे में भी लिखना है, वेनेजुएला का एग्जांपल दे सकते हो, वो आप बताओगे। उसके बाद में हमारे पास रिफाइनिंग वाले इशू आते हैं, ठीक है, फिर हमारे पास इंजन वाला इशू आएगा जिसमें भारत स्टेज का नॉर्म आएगा। अब देखते हैं इशू क्या क्या है हमारी जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे, पेट्रोलियम जो इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, एक तो कौन खोद के निकालेगा,
ठीक है, ड्रिलिंग कौन करेगा, वहाँ से निकालेगा कौन तेल, वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करने के बाद आएगा तीसरे पे वो रिफाइनरी के अंदर। तो हम ये दो वाले सेक्टर नहीं देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो अगर आपको एडिटोरियल आते हैं तो उसके अंदर आपको बताना चाहिए एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे। एक यहाँ से निकाल रहा है तेल रिफाइनिंग पेट्रोलियम, जब इंडस्ट्री की बात करेंगे तो एक निकालेगा यहाँ से तेल, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करेंगे, फिर तीसरे स्टेज के अंदर वहाँ पर रिफाइनिंग करेंगे उसकी। तो रिफाइनिंग के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है अभी। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात करेंगे, इंडिया की रिफाइनिंग इंडस्ट्री चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आई होगा इंडिया, इंडियन रिफाइनिंग जो इंडस्ट्री है चौथी है पूरे वर्ल्ड के अंदर में, काफ़ी बड़ी है। अब इसमें इशू क्या क्या आ रहे हैं, इशू ये आ रहा है कि इसको काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जैसे इंडिया बोल रहा है कि हमें BS5 नॉर्म की तरफ जाना है और 6 नॉर्म की तरफ जाना है, तो हमें उसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। उसके लिए सरकार अपने हाथ खड़े कर देती है क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वहाँ पे सरकार का। वैसे भी जो ऑयल प्राइसेस हैं उनकी फ्लक्चुएशन की वजह से बजट के अंदर काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से सरकार इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं दे सकती। दूसरी साइड सरकार को फिस्कल कॉन्स्टेन बैंकिंग सेक्टर में भी है, वहाँ पर भी काफ़ी करोड़ों लाख करोड़ का इशू चल रहा है, तो उस कारण से यहाँ पे पैसे डालना उसका काफ़ी इशू है। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए जब हमने अपग्रेड करना है फ्यूल की क्वालिटी को। अब ये कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट देखेंगे आगे BS नॉर्म के अंदर क्या चल रहा है वो। बट यहाँ पे समझ लो कि रिफाइनिंग का मतलब क्या, आपको क्रूड ऑयल लेके आना है, उसको रिफाइन करके बनाओगे आप नई नई चीज़ें, उससे LPG बना सकते हो आप, ठीक है, उससे आप पेट्रोल बना सकते हो, डीजल बना सकते हो, अदर जो कई मेडिसिन के प्रोडक्ट बनते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ से बन सकती हैं। तो रिफाइनिंग बोलते हैं उसको, इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर आपको अपग्रेड करना है उसको। तो सौमित्र चौधरी कमेटी 2012 के अंदर उन्होंने एस्टिमेट किया कि 60,000 से 80,000 के करीब हमें, अगर हमने शिफ्ट करना है BS5 और 6 नॉर्म को, तो इतने हमें ज़्यादा पैसे चाहिए उसके लिए, ठीक है। और ये थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, अभी तक के हिसाब से 1,00,000 तक भी जा सकते हैं, 1,00,000 करोड़ तक भी जा सकते हैं। तो काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, एक तो हमारे लिए ये इशू आता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट, ये वाली तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए, लेकिन दूसरी हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। काफ़ी हमारी जो ओल्ड काइंड की टेक्नोलॉजी है ऑयल को रिफाइन करने के लिए, पाइपलाइन वगैरह, कोरोसिव, उस टाइप की चीज़ें पाई गई हैं, उन चीज़ों को रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी हमारे रिफाइनिंग की इंडस्ट्री के अंदर में, ताकि ये मोर कम्पिटिटिव बन सके। अब बेसिकली एक्चुअल में क्या है, क्रूड ऑयल के प्राइजेस हो सकता है आपको 5 रुपये का क्रूड ऑयल मिल रहा है, ठीक है, US को भी हो सकता है 5 रुपये का क्रूड ऑयल मिल रहा है, लेकिन जब आप रिफाइन करोगे उसको, तो रिफाइनिंग का कॉस्ट, अगर आपकी मशीनरी अच्छी है जो कि एफिशिएंट वे में काम करती है, तो क्या होगा, इसको आप 2 रुपये में प्रोसेस कर पाओगे। अगर मान लो US 1 रुपये में कर रहा है, आप 2 रुपये में कर रहे हो, तो फिर आपके लिए कंपिटिटिव नहीं बचेगी पूरी मार्केट, बिकॉज इंडिया चौथी लार्जेस्ट मार्केट है। इसका मतलब ये नहीं कि क्रूड ऑयल तो हम इम्पोर्ट करते हैं, वो तो सबको पता है, लेकिन हम क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके उसका पेट्रोल डीजल बना के बेचते भी हैं बाहर, और पेट्रोलियम के अदर प्रोडक्ट भी बेचते हैं बाहर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो क्रूड ऑयल लेके आते हैं वो अपने लिए यूज़ करते हैं, इंडिया बाहर बेचता भी है उसको, छोटे छोटे देशों को, अफ्रीका के देशों को, उन चीज़ों को बेचा भी जाता है इंडिया के द्वारा। तो वो उन चीज़ों के लिए हमें कंपिटिटिव बनना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि अगर इतना बड़ा, इतनी पावर है हमारे पास में रिफाइनिंग के लिए, काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है इंडिया के पास में, तो इंडिया उसके अंदर में ग्लोबल लीडर भी बन सकता है अगर अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता है तो। नेक्स्ट है कि हमारी जो रिफाइनिंग इंडस्ट्री है उसको कहाँ से मिलेगा कच्चा तेल, रिफाइनिंग की जो इंडस्ट्री होगी उसको कहाँ से मिलेगा। एक तो डोमेस्टिक मिलेगा, जो कि काफ़ी कम है हमारा, 18% के करीब है, और पिछले कुछ सालों से जो ट्रेंड है उस हिसाब से इंक्रीज़ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, और हमारे पास में उतने ज़्यादा रिजर्व भी नहीं है। नेक्स्ट आता है कि बाहर से इंपोर्ट करके लेके आएंगे। अब बाहर से इंपोर्ट करके लेके आएंगे तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज़्यादा आएगा, आप दूर से लेके आओगे तो। अगर मान लो यहाँ पे आप निकाल भी रहे हो तेल, उसको रिफाइन भी कर रहे हो, उसका कॉस्ट आपको कम होगा। जैसे US अगर अपने रिजर्व से निकाल के वहीं पे उसको प्रोसेस करेगा, उसका कॉस्ट कम होगा। अगर हम मिडल ईस्ट से यहाँ लेके आएंगे, उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो उसकी वजह से जब दोनों चीज़ें हम बाहर बेचने लगेंगे, US अपना पेट्रोल बेचेगा, इंडिया अपना पेट्रोल बेचेगा, तो उसके अंदर दोनों की मार्केट कंपिटिटिव नहीं होगी और US को एडवांटेज होगी उसके अंदर। तो इंडिया की रिफाइनिंग इंडस्ट्री को ये भी इशू आते हैं कि हमें इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस हमारी काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से जो कॉस्ट है हमारा प्रोडक्शन का वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है कि फ्लक्चुएशन आती रहती है इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के अंदर में भी। तो कभी जो ऑयल के प्राइसेस थे वो 100 तक भी पहुंच गए थे, 20 तक भी आए थे हमारे पास में, ठीक है, उसके बाद में अभी रिसेंट के अंदर में हमारे पास में 60-70 के करीब हैं। तो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है ऑयल मार्केट के अंदर, उसके कारण इन कंपनी को देखना पड़ता है कि कितना ऑयल ये खरीद सकते हैं। जैसे मान लो अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इनको ये भी देखना पड़ेगा कितनी डिमांड है, अगर डिमांड उतनी ही रहती है तो इनको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा वहाँ से मनी से पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। और हो सकता है कि जब ये पेट्रोल इतना सारा खरीद रहे हैं, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से डिमांड कम हो जाए, तो फिर जो हमारी रिफाइनिंग इंडस्ट्री होगी उनको फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, क्योंकि उनको तो जितना वो लेके आए हैं उस हिसाब से मार्जिन से उनको बेचना है वो, तो उसके अंदर उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम है। तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट
काफ़ी कम होने की वजह से यहाँ पे क्या है, 23 हमारे पास में रिफाइनिंग के लिए हमारे पास में इंडस्ट्री है, 23 में से 18 जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में, फिर हमारे पास 3 आ रही हैं, 3 प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में हैं और 2 जो हैं हमारी पब्लिक और प्राइवेट के अंडर आ रही हैं। तो जिस तरीके से जो पब्लिक चीज़ होती है, पब्लिक के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग होती है, डिसीज़न होता है, वो काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक तरीके से होता है, वो मतलब उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। और वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, वो भी उसके अंदर गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट करते हो तो उसकी वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, वो अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे ताकि वो मोर कम्पिटिटिव रह पाएँ। तो इस इन चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की काफ़ी ज़रूरत है। इसके अलावा टैक्सेशन के अंदर काफ़ी इशूज़ आते हैं, बट इतना ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बेसिकली मेंस के लिए कुछ पॉइंट चाहिए, 4 पॉइंट इनफ होते हैं मेंस के लिए। फिर बात करेंगे हम कुछ टर्म्स की। तो फर्स्ट आता है ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल। ये आप न्यूज़ के अंदर सुनते रहते हैं उन्हें, बट जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसके अंदर में कुछ ऐसे जो टर्म्स होते हैं न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, वहाँ से उठा के वो टर्म पूछ लेते हैं कई बार। जैसे ऑक्टेन नंबर काफ़ी आता रहता है कि ऑक्टेन नंबर अगर अच्छा होगा, हाई ऑक्टेन नंबर वाला फ्यूल जो होता है वह काफ़ी अच्छा होता है। तो ऑक्टेन नंबर होता क्या है? द नॉकिंग ऑफ फ्यूल इज़ एक्सप्रेस्ड बाई ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर इज़ हायर, लो नॉकिंग। तो नॉकिंग कितना करेगा फ्यूल, उसको एक्सप्रेस करते हैं ऑक्टेन नंबर के अंदर। अगर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है तो नॉकिंग कम करेगा। और नॉकिंग का क्या मतलब, सम फ्यूल जब उनको बर्न किया जाता है तो बेसिकली फ्यूल को बर्न करेंगे तो हीट प्रोड्यूस करेंगे, उससे हम मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट करके गाड़ी को आगे चलाएंगे, वो हीट प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन ये पूरी हीट जो है पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती वर्क के अंदर, मतलब पूरे तरीके से व्हीकल को मूव करने के लिए यूज़ नहीं होती, कुछ हीट लॉस्ट हो जाती है और वो मेटल साउंड प्रोड्यूस करती है, उसको बोलते हैं नॉकिंग। तो मतलब ऐसा फ्यूल जो कि अच्छे से बर्न नहीं हो रहा है, ठीक है, प्री मैच्योर जो फ्यूल है वो वहाँ पे बर्न हो जा रहा है, जो कि यूज़ नहीं हो रहा गाड़ी को आगे चलाने के लिए या कोई भी मैकेनिकल वर्क करने के लिए गाड़ी में। तो ऐसा फ्यूल जो कि वेस्ट हुआ वो मेटालिक साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, इंजन ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा, उसको बोलेंगे नॉकिंग, उसकी नॉकिंग वैल्यू, ठीक है। तो जो फ्यूल जितना अच्छा होगा वो उतने अच्छे तरीके से एग्जैक्ट टाइम के ऊपर जलेगा और वो एग्जैक्ट एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा जितनी उसके द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है, वहाँ पे वेस्टेज नहीं होगी एनर्जी की। वेस्टेज होने की वजह से यहाँ पे मेटालिक साउंड प्रोड्यूस हो रही है, उसको बोलते हैं हम नॉकिंग ऑफ फ्यूल। अगर ये नॉकिंग कम होती है तो उसका मतलब कि ऑक्टेन नंबर फ्यूल का हाई है। जैसे मान लो कोई पेट्रोल है, उसके अंदर में आपने नॉकिंग कम करनी है तो उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डालोगे जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी और वो काफ़ी अच्छे से जलेगा, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम के ऊपर जलेगा, उसकी वजह से ऑक्टेन नंबर उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं ऑक्टेन नंबर, मतलब फ्यूल की क्वालिटी हाई है उसकी वजह से नॉकिंग नहीं हो रही उसके अंदर में, साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो हीट जो होगी मतलब जो उसकी एनर्जी होगी वो वेस्ट नहीं होगी उसके अंदर। इसके साथ ही जुड़ती हुई एक टर्म है जिसका नाम है सीटेन नंबर ऑफ फ्यूल। तो सीटेन नंबर का क्या मतलब, इज़ द इंडिकेटर ऑफ कंबस्शन स्पीड ऑफ फ्यूल, मतलब कितने जल्दी फ्यूल जलता है उसका इंडिकेटर है ये। तो ये बेसिकली हम इस कंबस्शन की जब यहाँ पे बात करें, हम डीजल इंजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो फ्यूल है किस चीज़ का इंडिकेटर है कि कितनी स्पीड से वो जलेगा। जैसे मान लो यहाँ से ये हमारे पास में कंबस्शन चैम्बर है, यहाँ से फ्यूल स्प्रे होता है आपका, ठीक है, कितना टाइम लगेगा इसको जलने के लिए, यहाँ पे अगर इसको ज़्यादा टाइम लगेगा जलने के लिए तो उसका सीटेन नंबर कम है फ्यूल का, मतलब फ्यूल की क्वालिटी कम है आपकी, ठीक है। अगर ये जल्दी जल जाता है तो इसका जो क्वालिटी होगी फ्यूल की वो हाई होगी, मतलब उसका सीटेन नंबर हाई है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंडिकेटर है कि कंबस्शन स्पीड कितनी है फ्यूल की, फ्यूल को एक बार जब आपने उसको स्प्रिंकल कर दिया, उसका स्प्रे कर दिया कंबस्शन चैम्बर में, उसके बाद वो कितने जल्दी जल जाएगा उसके अंदर में, जल्दी जलेगा तो उसको बोलेंगे सीटेन नंबर उसका हाई होगा, अगर वो कम जल्दी जलेगा तो उसका सीटेन नंबर कम होगा। हायर द सीटेन नंबर मोर इजीली द फ्यूल विल कंबस्ट, तो जल्दी वो बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो दो हमने पॉइंट देखे, इनको याद कर लेना, ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर। अब देखेंगे भारत स्टेज एमिशन। भारत स्टेज एमिशन जो नॉर्म्स हैं उनकी बात करेंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड हैं, इंस्टीट्यूट किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो स्टैंडर्ड है मतलब जो हमारा पेट्रोल और डीजल होंगे उनके लिए स्टैंडर्ड तय करके रखे हैं कि उनके अंदर पॉलिटेंट की मात्रा कितनी वो रिलीज़ करेंगे जब व्हीकल से जल के बाहर निकलेंगे। टू रेगुलेट द एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैंडर्ड तय किए गए हैं फ्रॉम इंटरनल कंबस्शन इंजन, मतलब डीजल वाला जो इंजन होता है उसकी बात कर रहे हैं, और स्पार्क इग्निशन इंजन, तो पेट्रोल वाला इंजन। तो पेट्रोल डीजल और पेट्रोल वाला जो इंजन होगा उनसे कितना एयर पॉल्यूशन निकलेगा उसके लिए नॉर्म तय करके रखे हुए हैं, ठीक है। दी स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन यूरोपियन रेगुलेशन, यूरोप के द्वारा बनाई गई थी यूरोपियन स्टैंडर्ड, वहीं से हमने उठाए हुए हैं। और फर्स्ट जो था हमारे पास भारत स्टेज नॉर्म फर्स्ट, उसको 2000 के अंदर चला दिया गया था। उसके बाद में फ्यूल को मोर एफिशिएंट बनाने की बातें होती हैं, जैसे हमारे पास में 1996 के बाद
जो सुप्रीम कोर्ट था काफ़ी वाइब्रेंट था इस बात के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जाता है एयर पॉल्यूशन को टैकल किया जाए। तो 2002 के अंदर इंडिया के द्वारा कमेटी गठित की जाती है, मार्शेलकर कमेटी गठित की जाती है, और इनको बोला जाता है आप बताओ कि एफिशिएंट तरीके से किस तरीके से हम फ्यूल वगैरह को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और इन्हीं की रिकमेंडेशन के ऊपर 2003 के अंदर ऑटो फ्यूल पॉलिसी इंडिया के द्वारा अप्लाई की जाती है। तो मार्शेलकर जो थे इनके द्वारा बताया जाता है कि किस तरीके से जो हमने भारत स्टेज नॉर्म 2000 में स्टार्ट किए गए हैं इनको कैसे फेज मैनर में जल्दी जल्दी से हम नेक्स्ट पे मूव करते जाएं। तो फ्यूल के अंदर जैसे मान लो आपके भारत स्टेज 1 के नॉर्म होंगे, उनके अंदर में कुछ बताया होगा कि पॉलिटेंट इतने निकलेंगे, 2 में थोड़ा एडवांस होगा उसमें कम पॉलिटेंट निकलेंगे, 3 में थोड़े कम पॉलिटेंट निकलेंगे। पॉलिटेंट में क्या हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं, सल्फर हो सकता है पॉलिटेंट के अंदर, पार्टिकुलेट मैटर हो सकता है उसके अंदर में, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है। तो इनको बोला गया जैसे जैसे ये नंबर इसका बढ़ता जाएगा, भारत स्टेज जो कि यूरोपियन स्टेज से लेके रखे हुए हमने, तो यूरोपियन जिस तरीके से यूरोपियन स्टैंडर्ड है उसी तरीके से भारत स्टेज स्टैंडर्ड हमने रखे हुए हैं, तो 1 से 2 जाएगा जो पॉलिटेंट का एमिशन होगा वो कम होगा, 3 पे और कम होगा, 4 पे और कम होगा। तो मार्शेलकर को बोला गया आपको बताना किस तरीके से इसको जल्दी जल्दी से अप्लाई करें, कितने इंटरवल के बाद जल्दी जल्दी से ट्रांसफ़र करते जाएं न्यू क्वालिटी जो हमारा फ्यूल होगा और इंजन भी नई क्वालिटी का बनाने के लिए। उनके द्वारा बताई गई रिकमेंडेशन दी गई और ऑटो फ्यूल पॉलिसी 2003 के अंदर अप्लाई की गई। अब इसके अंदर में 2000 के अंदर आता है सबसे पहले हमारे पास यूरो 1, जो कि हमारा क्या आता है भारत स्टेज वन जो कि यूरो 1 के इक्विवेलेंट था, उसको 2001 में अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कौन से एरिया में, क्योंकि ये हो चुका है। भारत स्टेज 2 जो है 2003-04 के अंदर इसको अप्लाई कर दिया जाता है। भारत स्टेज 3 को 2005 के अंदर NCR के रीजन के अंदर अप्लाई कर देते हैं, उसके अलावा इसको 13 जो अदर सिटीज़ होती हैं ठीक है उनके अंदर भी इसको अप्लाई कर देते हैं। 2010 में इसी को पूरे नेशन वाइड में फैला देते हैं कि जो भारत स्टेज 3 नॉर्म के ही हमारे पास में सब चीज़ें बिकेंगी, ठीक है, फ्यूल भी व्हीकल भी। और भारत स्टेज 4 नॉर्म जो है उसको 2010 में अप्लाई किया जाता है, जो हमारा NCR का रीजन है, और 13 सिटीज़ को उसके बाद इसको इंक्रीज़ करके 30 सिटीज़ कर दिया जाता है। उसके बाद 2017 तक बोलते हैं नेशन वाइड में कर देंगे, लेकिन नेशन वाइड में हुआ नहीं है, ये अराउंड अबाउट 36 सिटी या 40 तक पहुंचा होगा, इतनी सिटीज़ के अंदर हुआ है, मतलब पूरे इंडिया के अंदर हमारे पास में अभी अवेलेबल नहीं है। तो अभी कौन सा है हमारे पास में, भारत स्टेज 3 नॉर्म पूरे इंडिया के अंदर हमारे पास में लागू हैं, और भारत स्टेज नॉर्म जो है हमारा जो NCR वाला रीजन है हमारा, और 36 सिटीज़ के करीब पूरे इंडिया के अंदर में भारत स्टेज 4 नॉर्म एप्लीकेबल हैं। उसके अलावा पूरे इंडिया में भारत स्टेज 3 वाले एप्लीकेबल हैं। अब इंडिया को एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहा था इंडिया, इस कारण से भारत स्टेज जो 5 इनको अप्लाई करने थे, मतलब यहाँ से इस तरीके से चल रहे हैं कि इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे, भारत स्टेज 2 बनेगा थोड़ा चेंजेस करेंगे, 3 बनेगा 4 बनेगा, और 6 जो होगा बहुत ज़्यादा एडवांस होगा, 5 उससे थोड़ा कम एडवांस होगा। अब इंडिया ने सोचा कि 5 वाले को स्किप कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी तो 5 वाले की लगानी पड़ेगी, 6 के अंदर तो होगी होगी वो, बट 5 स्टेज हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट T6 पे शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि क्वालिटी को, फ्यूल की क्वालिटी को, इंजन की क्वालिटी को ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। उसको 5 पे रखेंगे, उसके बाद 6 पे लेके आएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो ऐसा बोला इंडिया ने, अब भारत स्टेज जो 5 नॉर्म होंगे उनको स्किप कर देंगे, उनको हम अप्लाई नहीं करेंगे और 6 पे लेके आएंगे। अब अप्लाई नहीं करेंगे उसका मतलब ये नहीं है कि इनको अप्लाई नहीं किया जा रहा। अब जो 6 के अंदर क्वालिटीज़ होंगी वो 5th की क्वालिटी तो उसके अंदर होंगी ही होंगी, उनको तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। बेसिकली ये बोल रहे कि 5 के ऊपर रुकेंगे तो 6 में लेट हो जाएंगे, इसलिए सीधा 6 के ऊपर ही हम जंप कर जाएंगे। तो इंडिया के द्वारा बोला गया कि 2020 तक भारत स्टेज 6 के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे, भारत स्टेज 6 के नॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया करंट स्टेटस क्या है, भारत स्टेज 3 पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है, और कुछ सिटीज़ के अंदर में हमारे पास में NCR का रीज़न, और कुछ सिटीज़ के अंदर हमारे पास भारत स्टेज 4 एप्लीकेबल है। इंडिया ने कहा कि 5th स्टेज को हम बाईपास करेंगे और सीधा 6th स्टेज के ऊपर जंप करेंगे 2020 तक। तो ये काफ़ी इम्प्रैक्टिकल है कि 6th स्टेज के ऊपर जाने के लिए, वो हम देखेंगे क्यों। अब देखते हैं चेंजेस BS6 नॉर्म के ऊपर जब आप जाओगे तो उसके अंदर में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। चेंजेस 2 चीज़ों में करने पड़ेंगे, एक होता है फ्यूल जिसको आप बर्न करोगे और उसको बर्न करोगे इंजन के अंदर, ठीक है, तो इंजन के अंदर उसको बर्न करेंगे। अब चेंजेस आपको फ्यूल के अंदर भी करने पड़ेंगे और इंजन में भी करने पड़ेंगे। फर्स्ट चेंज आता है सल्फर का, तो सल्फर को फ्यूल लेवल के ऊपर क्लीन किया जाता है, उसको इंजन के अंदर क्लीन नहीं किया जाता इंजन से, उसको अगर इंजन फ्यूल के अंदर ज़्यादा सल्फर है तो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी वोलेटाइल होता है, इंजन के अंदर उसको क्लीन नहीं किया जा सकता, ठीक है, स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। तो सल्फर को फ्यूल लेवल के ऊपर ही क्लीन किया जाता है, तो इसको रिड्यूस करेंगे हम फ्यूल लेवल के ऊपर, इंजन के अंदर इसकी बात नहीं है। तो अब इसको फ्यूल लेवल पर करेंगे, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि
पहले जो पेट्रोल था उसके अंदर जितना हमारे पास में सल्फ़र था उसको हमने कम करना है। तो पेट्रोल में सल्फ़र कम करने का मतलब ये हुआ कि जो रिफाइनरी है उसके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि क्रूड ऑयल आएगा उसको इस तरीके से प्रोसेस करे कि अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल बना सकें। ठीक है, तो इसमें कितना किया जा रहा है, भारत स्टेज जो फॉर्म के फ्यूल थे उसके अंदर हमारे पास में राउंड अबाउट हमारे पास 50 पार्ट्स पर मिलियन के करीब उसके अंदर सल्फ़र का कंटेंट था। अब जो 5 और 6, मतलब यहाँ पे 6 पे आते हैं जंप सीधा, जो 6 होगा उसके अंदर हमारे पास 10 PPM पार्ट्स पर मिलियन सल्फ़र होगा। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 90% का डिक्रीज़ कर रहे हैं ये। तो ये तो फ्यूल लेवल के ऊपर होगा, ये तो सेम चलेगा हमारे डीजल के लिए पेट्रोल के लिए। ठीक है, तो ये फ्यूल के ऊपर करेंगे। अब फ्यूल में तो चेंज कर दिया, फ्यूल में चेंज करेंगे तो किसको कॉस्ट पड़ेगा, जो रिफाइन करती हैं। रिफाइन कौन करती हैं, जो हमारे पास 23 हमने कंपनियां बना के रखी हुई हैं वो रिफाइन करेंगी, तो उनको उसका कॉस्ट पड़ेगा। और हमने देखा था सौमित्र चौधरी कमेटी के द्वारा बोला गया कि 60,000 to 80,000 और अभी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, 1,00,000 crore के करीब इसके अंदर पैसे लगेंगे। तो उनको यहाँ पे कॉस्ट पड़ रहा है अगर आपने ट्रांसफॉर्म करना है भारत स्टेज 20 के ऊपर। और हमें एक बात ये भी पता है कि भारत स्टेज 4 भी अभी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, तो जो हम बातें कर रहे हैं वो थोड़ा उसके अंदर सोच समझ के बातें करनी चाहिए, क्योंकि भारत स्टेज जब 3 के ऊपर है हम वहाँ से 6 के ऊपर जंप करेंगे सीधा, ऐसा बोला जा रहा है इनके द्वारा। तो अब क्या बोला गया इनके द्वारा, जो हमारा इंजन होगा गाड़ी का, जो नई गाड़ियाँ बिकेंगी उनके अंदर गवर्नमेंट क्या बोलेगी 2020 से आपको क्या करना है, उन गाड़ियों के अंदर जो चीज़ें भारत स्टेज 6 नॉर्म के लिए कंपलसरी हैं वो चीज़ें तो उनके अंदर डालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया, आपको लगाना पड़ेगा डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर। तो पर्टिकुलेट फिल्टर इनको लगाना पड़ेगा। पर्टिकुलेट फिल्टर का क्या मतलब, पर्टिकुलेट मैटर को फिल्टर करने वाला है ये। पर्टिकुलेट मैटर का क्या मतलब, ये क्या होगा, सॉलिड या लिक्विड, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे जिनका साइज़ बहुत छोटा है। अब पर्टिकुलेट मैटर का मतलब ये नहीं होता PM जैसे 2.5 सुना होगा आपने, माइक्रोमीटर 2.5 माइक्रोमीटर होता है ये, फिर 10 माइक्रोमीटर, दो पैरामीटर के ऊपर इसको नापा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्चुअल में गाड़ी से रिलीज़ हो रहा है, ये कहीं से भी रिलीज़ हो सकता है, लेकिन ये क्या है, ये साइज़ के बेस के ऊपर इसको निर्धारित किया गया है। अगर मान लो धूल के कण भी हैं वो छोटे छोटे बन जाते हैं, इतने इस साइज़ के ऊपर पहुंच जाएंगे तो वो भी पार्टिकुलेट मैटर होगा। जैसे गाड़ी क्रॉस करेगी किसी एरिया से नीचे से, अगर वहाँ पे रोड वगैरह है, रोड से अगर डस्ट निकलती है, जो रोड के ऊपर हमने सामान लगाया होगा अगर सीमेंट है वहाँ पे, वो नीचे ऊपर उठता है और उसके छोटे छोटे पार्टिकल अगर इस लेवल के ऊपर, इस डायमीटर के ऊपर पहुंचेंगे उसको भी पर्टिकुलेट मैटर बोलेंगे। लेकिन हमारे इंजन की वजह से जब फ्यूल बर्न होता है उसके अंदर, तो वहाँ से पर्टिकुलेट मैटर रिलीज़ होते हैं, 2.5 वाले भी, 10 वाले भी। अब ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनविजिबल होते हैं, आपको दिखते नहीं है। और जो मास्क वगैरह भी लगाते हैं एयर क्वालिटी से बचने के लिए, मास्क वगैरह लगाते हैं, उनसे तो क्रॉस कर जाते हैं ये, क्रॉस करके छोटे पार्टिकल जाके आपके लंग्स के अंदर बैठ जाएंगे, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, आपके अल्वियोलाई ब्रोंकियाई में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो मतलब हेल्थ से रिलेटेड इशू क्रिएट कर सकते हैं ये। तो इनको क्लीन करने के लिए, ये प्रॉब्लम मोस्टली किसमें होती है, डीजल इंजन के अंदर पर्टिकुलेट मैटर की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसको क्लीन करने के लिए एक टेक्निक है डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर। तो इसको लगाया जाएगा और ये पर्टिकुलेट मैटर को फिल्टर करेगा, जो कि डीजल इंजन के साथ में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी याद रखना, डीजल के साथ है ये ज़्यादा प्रॉब्लम। इस सिस्टम को फिट करेंगे व्हीकल के अंदर, ये क्या करेगा, जब गाड़ी का टेम्परेचर, गाड़ी की स्पीड इंक्रीज़ होगी, उसके इंजन के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, उसका सहारा लेके, उस टेम्परेचर का सहारा लेके, जितना उस टेम्परेचर की हीट के द्वारा, ये क्या करेगा, जो पर्टिकुलेट मैटर होगा जो कि हमारे सॉलिड और लिक्विड की ड्रॉपलेट के फॉर्म के अंदर होंगे, मेजॉरिटी सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, उनको ये ट्रांसफॉर्म कर देगा गैस की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में करेगा, तो फिर गैस ऊपर उठ जाएगी या गैस अलग तरीके से सस्पेंड हो जाएगी। ये सॉलिड की फॉर्म में तो वो काफ़ी एक छोटे स्पेस के अंदर प्रेजेंट होगा, गैस जो है काफ़ी फैल जाती है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, तो वो थोड़ा मतलब लेस हार्मफुल फेज़ के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये कन्वर्ट करेगा पर्टिकुलेट मैटर को गैसियस फॉर्म के अंदर में, और ये 60-70% रिडक्शन कर देगा पर्टिकुलेट मैटर के अंदर, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर। तो इस तरीके का हमें सिस्टम दिखेगा, यहाँ पे इंजन होगा, इंजन के साथ में इसको कनेक्ट करेंगे, इंजन से यहाँ से पर्टिकुलेट मैटर वाला एग्जॉस्ट आएगा और यहाँ पे जाएगा इसके अंदर में, और ये जो है उसके जो सॉलिड पार्टिकल होंगे उनको गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और पीछे की तरफ छोड़ देगा। ठीक है, अब इसको लगाना है आपने, इसका कॉस्ट भी होगा, एक तो कॉस्ट इसका इंक्रीज़ होगा गाड़ी के अंदर में, अब उसके वजह से जो गाड़ी का नॉर्मल कॉस्ट होगा, इंडिया के अंदर वैसे भी काफ़ी सस्ती चीज़ें बिकती हैं, तो वो हो सकता है नेगेटिव इफेक्ट करे, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। तो हमने अभी तक क्या देखा, भारत स्टेज 6 के ऊपर जाना है तो हमें 2 changes करने पड़ेंगे, सल्फर वाला फ्यूल के अंदर, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर हमें गाड़ी के अंदर लगाना पड़ेगा। इसके अलावा हमें एक और तीसरा चेंज करना पड़ेगा, ये जो फिल्टर वाला चेंज है ये तो 5th generation के अंदर भी करना पड़ना था, तो मतलब हम डायरेक्ट 6th पे जा रहे हैं तो ये चेंज तो होना ही चाहिए, फिर हम 6 के ऊपर जाएंगे। तो 6 के ऊपर एक और चेंज करना पड़ता है,
वो है हमारे पास में सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। तो सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब ये 6 स्टेज के ऊपर एक्सक्लूसिव है, मतलब 6 स्टेज के ऊपर जाना है तो ये तो आपको लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है, टू कन्वर्ट नाइट्रोजन के ऑक्साइड टू लेस टॉक्सिक फॉर्म। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड का क्या मतलब, नाइट्रोजन मतलब N एंड ऑक्साइड इसके क्या होते हैं नाइट्रोजन N2, ऑक्साइड का मतलब कि इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई। अब नाइट्रोजन जो है इनर्ट होती है, वैसे कंबाइन नहीं करती किसी के साथ, लेकिन जो इंजन होता है उसके हाई टेम्परेचर के ऊपर ये कंबाइन कर जाती है ऑक्सीजन के साथ में। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का मतलब कि या तो NO नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई, या तो NO2 इस फॉर्म के अंदर। ये जो होते हैं पॉलीटेंट होते हैं, नाइट्रोजन जो होती है वो हमारा पॉलीटेंट नहीं होती, क्योंकि 78% क्या है नाइट्रोजन है एनवायरमेंट के अंदर, तो नाइट्रोजन पॉलीटेंट कैसे हो सकती है। लेकिन जब उसके ऑक्साइड बन जाएंगे हाई टेम्परेचर की वजह से इंजन के अंदर, तो वो पॉलीटेंट बन जाएगी। अब इसको लेस टॉक्सिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है हमारे सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन के अंदर। अब इसके अंदर क्या किया जाएगा, जैसे ये डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर, इसने पर्टिकुलेट मैटर को फिल्टर किया, उसके बाद ये चीज़ गई हमारे पास में सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन कैटालिस्ट के पास में। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन होगा, जैसे एक्वस अमोनिया का सॉल्यूशन यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, फिल्टर होंगे यहाँ पे, वो क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे NO आता है हमारे पास, ठीक है, ये जा रहा है, ये एग्जॉस्ट के अंदर बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, अंदर रिएक्शन होगा इसका, NH3 है इसके अंदर में प्रेजेंट, रिएक्शन करेगा इसके साथ में, बाहर क्या छोड़ेगा N2 निकालेगा, मतलब नाइट्रोजन की फॉर्म में निकालेगा, जो O होगा उसको निकाल देगा यहाँ से बाहर, उसको ये CO2 की फॉर्म में निकाल सकता है या कोई अदर फॉर्म के अंदर निकालेगा, पर बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड को उस फॉर्म के अंदर बाहर जाने नहीं दिया जाएगा इसके द्वारा। तो उसकी वजह से जो NO पॉल्यूशन करने वाला था, या जो हमारा NO2 पॉल्यूशन करने वाला था, उसको ये कम टॉक्सिक फॉर्म में जैसे हमारे नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन तो 78% है, तो वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रही। तो ये थे हमारे 12 स्टेज के नॉर्म्स। अब देखते हैं इनके अंदर कुछ इशूज़। तो फर्स्ट है कि कॉस्ट जो व्हीकल का होगा वो हमारा काफ़ी बढ़ जाएगा, वो डिपेंड करता है 30,000 to 1,00,000 के करीब जो है कॉस्ट इंक्रीज़ हो सकता है व्हीकल्स का। अब वो जो है हमारी मार्केट को, ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर इशू आता है, हमने यूरो जो नॉर्म्स थे उनको कॉपी किया, यूरो जो नॉर्म थे उनको टेस्ट भी करना था। अब उन्होंने जब नॉर्म बनाए तो उन्होंने कैसे बनाए, उन्होंने देखा हमारे टेम्परेचर के हिसाब से कितनी स्पीड पर गाड़ी दौड़ाएंगे, फिर चेक किया कि कितना हमारे लिए ऑप्टिमम है, कितने हमें उसमें कम करने की ज़रूरत है और कितना हमारे हिसाब से सही है। तो उन्होंने चेक किया उसको सब जीरो टेम्परेचर के ऊपर, मतलब या तो जीरो से भी नीचे वाले टेम्परेचर के ऊपर इन्होंने अपने यूरोपियन क्लाइमेट के अंदर उसको टेस्ट किया। इंडिया का जो टेम्परेचर है वो इससे अलग है, इंडिया का टेम्परेचर 24-28 डिग्री इतने तक चला जाता है, इतनी डिग्री के ऊपर होता है। इंडिया ने ये वाला टेस्ट वगैरह कुछ नहीं किया, इंडिया ने इसको जो टेस्ट था उसको डन अवे कर दिया, वो वाला टेस्ट नहीं किया, और हमने यूरो को डायरेक्टली अपना लिया, तो हमने उनको अच्छे तरीके से चेक नहीं किया अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। दूसरा इशू ये आता है। तीसरा क्या है, एक और मेजर डिस्टिंक्शन क्या है, जो यूरो वाले नॉर्म थे और इंडिया ने 12 स्टेज अप्लाई किया, तो एक तो चेंज हमने देख लिया, ये वाला टेस्ट हमने नहीं किया। दूसरा क्या चेंज था, हमने पूरा कॉपी कैट नहीं किया उसको, एक और चेंज जो हमने किया इसके अंदर में, उन्होंने जो टेस्ट किया था उनकी जो एवरेज स्पीड थी वो 120 किलोमीटर पर आवर थी यूरोप के हिसाब से, कि उतनी स्पीड से जब चलेगा हमारा व्हीकल तो उस पर कितना एग्जॉस्ट होना चाहिए, ठीक है, और उस हिसाब से उन्होंने चेक कर लिया। नेक्स्ट हमने कितना किया, हमने अपने हिसाब से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर लिया इसको, और हमने बता दिया कि आपको पर्टिकुलेट मैटर कम करने हैं, 12 स्टेज 6 के अंदर पर्टिकुलेट मैटर कम करोगे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया जो डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर है, ये जो फिल्टर है हमारे पास में, ये टेम्परेचर हमने क्या बोला, जब 90 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जब गाड़ी चलेगी उसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, इंजन के अंदर हीट इंक्रीज़ होगी, हीट की वजह से ये एक्शन के अंदर आएगा, और ये हीट जो एक्स्ट्रा हीट है उसकी वजह से ये कन्वर्ट करेगा हमारे पर्टिकुलेट मैटर को गैस के अंदर। तो ये कन्वर्ट वर्क तभी करेगा जब हमारी स्पीड इतनी इंक्रीज़ होगी, उसके बाद हीट ज़्यादा बढ़ेगी तभी। लेकिन हमें पता कि 90 किलोमीटर तो इंडिया के अंदर में काफ़ी रेयर चांसेस हैं कि 90 किलोमीटर एवरेज स्पीड होगी आपकी किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। इंडिया के हिसाब से तो 90 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा है, कई बार काफ़ी जाम होता है कुछ एरिया के अंदर में, जैसे जो सिटीज़ वाले एरिया होंगे, जैसे दिल्ली की बात करेंगे तो वहाँ पे तो इतनी स्पीड पॉसिबल नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर में इंडिया ने नॉर्म्स तो बना दिए, लेकिन ये कैसे डीजल कैटालिटिक हमारा डीजल जो पर्टिकुलेट फिल्टर है वो कैसे वर्क करेगा, वो हमारे लिए इशू क्रिएट करता है। उसके बाद इंडिया के जो ऑटो सेक्टर हैं वो राउंड अबाउट 18% टोटल CO2 का एमिशन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे CO2 होगा, CO नहीं है ये, CO2 है, CO2 का एमिशन करते हैं कंट्री के अंदर, और CO2 जो है उसका एमिशन जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से काफ़ी इंक्रीज़ भी हो रहा है, लेकिन हमने उसके लिए नॉर्म नहीं बनाए हुए हैं। हम BS जो नॉर्म है उनके अंदर CO को काउंटर करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को, लेकिन CO2 को उसमें कंट्रोल नहीं कर रहे। जैसा मैंने आपको बताया नाइट्रोजन के ऑक्साइड को भी ये जो हैं यहाँ से कन्वर्ट करके N2 की फॉर्म में और CO2 की फॉर्म में बाहर निकाल सकते हैं उनको।
तो उसमें CO2 को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, ये हमारे लिए इशू है, CO2 को भी इसमें शामिल करना चाहिए था हमें। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट, रिफाइनरी में इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो भी हमारे लिए इशू है। तो इतने जल्दी ये सब चेंजेस करना, ये किसी जो व्हीकल वगैरह बनाने वाली कंपनी है वो इन चेंजेस को करेंगे, अब ऐसा नहीं चेंजेस करेंगे और उसके बाद गाड़ी बेच के बैठ जाएंगे। उसके बाद उनको ट्रायल करते हैं, टेस्टिंग वगैरह की जाती है उनकी, 50, 60, 70 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तक उनको चला के टेस्ट करते हैं, फिर कोई कमी आती है उसके अंदर में उसको चेक करते हैं, उसके बाद फिर व्हीकल जो है मार्केट में उतारा जाता है। उसके लिए 2020 वाली डेडलाइन तो इम्पॉसिबल सी बात है कि तब तक ये चीज़ें हो जाएंगी, बट देखते हैं क्या पता हो जाए। नेक्स्ट है सिक्स, हमारे पास आता है सिलेक्टिव कैटालिटिकल जो रिडक्शन वाली टेक्निक हमने देखी, जिसके द्वारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, उसमें हमें वो ऐसा नहीं एक बार लगा दिया आपने, उसके बाद उसके अंदर फिल्टर वगैरह होते हैं, उनको हो सकता है आपको जो है रिप्लेस करना पड़ेगा थोड़े थोड़े टाइम के बाद। अगर आपने रिप्लेस करना है तो उसके लिए आपके पास में एक वेल मार्केट होनी चाहिए, अगर आप वहाँ पे करोड़ों व्हीकल बेच रहे हो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से, तो उनको मूव करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए आपके पास में मार्केट भी होनी चाहिए, एक रिटेल मार्केट होनी चाहिए, लोग होने चाहिए, जिस तरीके से सर्विस सेंटर होते हैं उसी तरीके से एक बड़ी मार्केट होनी चाहिए जो कि एक्सपर्टाइज हो उसके अंदर में उन चीज़ों को ट्रांसफ़र करने में, तो उसके लिए हमें थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में आते हैं BS भारत स्टेज नॉम के लिए, तो ये तीन आपको याद रखने हैं, ये आपको काम करेंगे प्रीलिम्स में आंसर सॉल्व करने के लिए, और ये आपको मेंस के अंदर काम करेगा, तो यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अब बात करेंगे नेचुरल गैस की। सबसे पहले नेचुरल गैस के अंदर देख लेंगे कौन कौन सी गैसेज आती हैं, उनकी कंपोजिशन क्या आती है, जो कि हमें इंपॉर्टेंट होगा। तो नेचुरल गैस की जब हम बात करेंगे तो मेनली कौन होती है, मीथेन होती है बेसिकली। तो नेचुरल गैस आप बोल सकते हो मीथेन की बात करते हैं, जब हम नेचुरल गैस की बात करते हैं मीथेन हाईएस्ट होती है उसमें, 70, 80, 90% तक हो सकती है। उसको या तो गैस के वेल होंगे, मतलब या तो गैस के कुएं होंगे वहाँ से निकालेंगे उसको, या तो क्रूड ऑयल के साथ में मिलेगी ये, या तो अलग भी हो सकती है, अलग वहाँ से ही निकालेंगे सिर्फ गैस मिलेगी, या तो क्रूड ऑयल भी मिल रहा है उसके साथ में, ये उसके ऊपर पाई जा रही है ठीक है, या साइड में पाई जा रही है, वहाँ से भी निकाल सकते हैं नेचुरल गैस को। अदर देन मीथेन, मीथेन के अलावा, मीथेन तो इसमें मेन गैस है, मतलब नेचुरल गैस जब बात करेंगे तो मीथेन की बात हो रही है, मीथेन तो इसमें होती ही होती है, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन छोटी छोटी अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है नेचुरल गैस जो होती है वो लाइटर होती है एयर से, एयर से हल्की होने की वजह से, मान लो ये अगर लीक हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, ये हवा के अंदर ऊपर उड़ जाएगी, मतलब आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। जैसे मान लो LPG का सिलेंडर होता है घर के अंदर, अगर वो लीक हो जाता है तो क्या होता है, कमरे के अंदर पूरी उसकी जो स्मेल होती है और पूरी गैस जो है लीक हो जाती है, कमरे के अंदर फैल जाती है, और वो जो होती है वो एयर से भारी होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो काफ़ी टाइम तक सस्पेंडेड रहती है वहीं पे, और जो पर्सन वहाँ पे होगा उसको वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और वो उसकी डेथ भी हो सकती है LPG की लीकेज की वजह से। लेकिन इसकी बात करेंगे ये हल्की होती है उससे, तो अगर ये लीक हो जाती है तो ये हवा में उड़ जाएगी, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, जलने के अलावा जल सकती है, मतलब आसपास अगर फायर का सोर्स है तो जल सकती है, बट ऐसे जनरल कंडीशन की बात हो रही है। फिर ये जो होती है ये ऑर्डरलेस होती है, इसमें कोई सुगंध नहीं होती, कलर नहीं होता इसमें, कोई टेस्ट नहीं होता इसमें कोई, अब ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें कोई सुगंध नहीं होती, लेकिन आप देखोगे नेचुरल गैस वगैरह में तो उसके अंदर एक गली सड़ी सी सुगंध आएगी उसके अंदर, वो जो होता है उसके अंदर मरकैप्टान एक केमिकल है उसको डालते हैं उसके अंदर में, जो जिसके अंदर सल्फर का कंटेंट होता है, ये जो होता है उसको स्मेली ऑर्डर देता है। अब उसके अंदर में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे मतलब ऑर्डरलेस है, अगर ये लीक हो जाती है तो आपको पता नहीं चलेगा कि गैस आपकी लीक हो रही है, बट ये आपके घर की गैस की बात नहीं, और ये नेचुरल गैस है, घर वाली गैस आपकी LPG होती है, उसकी कंपोजिशन अलग है, तो नेचुरल गैस और उसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना, वो आगे आ रहा है सब कुछ। ये जो है ऑर्डरलेस है, इसी को स्मेल देने के लिए हम उसके अंदर मरकैप्टान केमिकल डालते हैं, तो सल्फर होता है इसके अंदर में, इस तरीके के केमिकल हम डाल सकते हैं इसके अंदर। फिर आता है CNG, CNG में क्या लगा हुआ है, नेचुरल गैस, इसका क्या मतलब, इसके अंदर मीथेन है, तो ये भी मीथेन नेचुरल गैस की फॉर्म है। CNG मतलब कंप्रेस्ड, मतलब कंप्रेस किया गया है नेचुरल गैस को काफ़ी हाई प्रेशर के ऊपर, तो ये नेचुरल गैस है जिसको हाई प्रेशर के ऊपर कंप्रेस करके रखा गया है, उसको बोलते हैं CNG। ये जो होती हल्की होती है एयर से, तो अगर इसको अब नेचुरल गैस की जो कंपोजिशन है इसकी भी वही होने वाली है, तो इसके अंदर भी हम सल्फर बेस्ड जो कंपाउंड मरकैप्टान था उसको डालेंगे, ताकि लीक होगी तो हमें पता चल जाए। तो बेसिकली सेम है, बस सी का डिफरेंस है, यहाँ पे कंप्रेस्ड हो चुकी है नेचुरल गैस। नेक्स्ट आता है PNG, PNG मतलब कि पाइप के अंदर डाली गई है, ये CNG की तरह ही होती है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपकी घर की सप्लाई के लिए, आपको घरों के अंदर सप्लाई करनी है तो पाइप लगाई हुई है आपने, पाइप से इसको सप्लाई किया जा रहा है घर के अंदर, है बेसिकली CNG है लेकिन पाइप के अंदर है, इसलिए पाइप नेचुरल गैस इसको बोल देते हैं। ये जो है आपको मान लो आपने निकाली कहीं से, पाइपलाइन एक्सचेंज की, उसके बाद अगर आप पाइप बिछा सकते हो, जैसे किसी पर्टिकुलर प्लेस से आपने गैस निकाली, वहाँ से अगर इसको आप पाइपलाइन से लेके जा सकते हो तो इसको PNG बोलेंगे, पाइप नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करने के काम आती है बेसिकली PNG, ठीक है, पाइप के अंदर होगी तो CNG को PNG बोलेंगे।
फिर आती है एलएनजी। एलएनजी का मतलब लिक्विफाइड। अगर आप इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होती है, नेचुरल गैस होती है जिसको हम सुपर कूल्ड स्टेज के ऊपर स्टोर करते हैं और वो लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है एलएनजी। अब एलएनजी का यूज़ कहाँ करते हैं हम? एलएनजी अगर मान लो हमने ट्रांसपोर्ट करना है, ये जो होती बहुत कम स्पेस में आ जाती है। अगर आपने नेचुरल गैस को ऐसे स्टोर करके लेके जाना है तो वो स्पेस काफ़ी ज़्यादा घेरेगी। जैसे मान लो ईरान से इंडिया बोल रहा है कि हमने गैस लेके आनी है गुजरात के अंदर, आपने सुना होगा नेचुरल गैस के टर्मिनल्स होते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के टर्मिनल। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ से गैस निकालेंगे, यहाँ पे उसको लिक्विफाई करेंगे। लिक्विड जब फॉर्म में होती है तो लगभग उससे 500 से 600 गुना छोटे एरिया के अंदर वो आ जाती है। उसको छोटे कंटेनर में भरेंगे लिक्विफाई करके, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके लेके आएंगे इंडिया के अंदर। इंडिया में टर्मिनल के ऊपर, गैस टर्मिनल के ऊपर उसको फिर से डीलिक्विफाई करेंगे और उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे आगे। तो ये फॉर्म है जिसके द्वारा हम इजीली भारी मात्रा में गैस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, अगर हमारे पास में पाइप की सुविधा नहीं है वहाँ पे। क्योंकि पाइप वाली होगी, अगर कोई जैसे इंडिया ईरान के बीच में पाइप कहाँ से लगाएंगे हम? तो अगर वहाँ पे आप इसको लिक्विफाइड नेचुरल गैस की फॉर्म के अंदर लेके आते हो। फिर आता है एलपीजी। एलपी जो हम घरों के अंदर यूज़ करते हैं, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। तो ये नेचुरल गैस नहीं है, एक बात ये पता होनी चाहिए आपको, नेचुरल गैस नहीं है। इसका मतलब कि ये मीथेन नहीं है, बाकी सब मीथेन था जो हमने देखा, एलएनजी, पीएनजी, सीएनजी, नेचुरल गैस, वो सब मीथेन थी मेजॉरिटी अमाउंट के अंदर। लेकिन ये जो है हमारे पास पेट्रोलियम गैस है, ये बनती है नेचुरल गैस के बाय प्रोडक्ट से। जैसे हमने देखा, हम नेचुरल गैस में सिर्फ मीथेन ही नहीं होती, उसके अलावा भी उसमें कॉन्स्टिटेंट होते हैं। जैसे उसमें प्रोपेन होती है, प्रोपाइलीन होती है, ब्यूटेन होती है, ब्यूटालीन होती है। तो नेचुरल गैस से उसको प्रोसेस करके एलपीजी बना सकते हो आप। उसके अलावा क्रूड ऑयल जो होता है हमारे पास पेट्रोलियम, उसकी रिफाइनिंग के द्वारा भी हम एलपीजी बना सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से इसको बना सकते हैं। एलपीजी को कोई गैस के कुएं से नहीं निकाल रहे हैं बाहर, जैसे नेचुरल गैस को निकाल रहे थे। इसको बनाएंगे और उसके बाद में इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आपको याद करने पड़ेंगे, प्रोपेन, प्रोपाइलीन, ब्यूटेन, ब्यूटालीन, ये याद करने पड़ेंगे। इसके अंदर मीथेन नहीं है, एलपीजी आपको पता होना चाहिए। इथाइल मर्कप्टॉन इसके अंदर डाला जाता है, सल्फर बेस्ड कंपाउंड है ये भी, जो कि इसको ऑर्डर देता है, सुगंध देगा, स्मेल देगा। एंड ये हैवियर होती है एयर से, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब ये लीक होती है, अगर फायर वाला कोई सोर्स नहीं है तो वो सी कमरे के अंदर ये स्टेबल हो जाएगी और वहाँ पे पर्सन जो होगा उसकी डेथ कॉज कर सकती है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ये। एलपीजी हमने देख लिया नेचुरल गैस के बारे में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फर्दर इनके बारे में आगे डिटेल से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।